ये बहुत ज़्यादा नॉइज भी कर रहा है क्योंकि ये जो है बहुत स्पीड में घूम रही है मोटर। हमने कुछ वक्त पहले बताया था आपको ये वाला कूलर जो कि हमने कंप्लीट नहीं किया था, चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर को हमने वाटर पंप को फिक्स कर दिया, अगर आपके पास वाटर पंप नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जाके और इसको जो है देख सकते हो और बना सकते हो अपने घर पे ही। सामने दो स्विच और दो इंडिकेटर लाइट लगाई है, तो सारे सामान मैं यहाँ पर रख लेता हूँ जल्दी से। इसकी चीज़ें इसमें लगने वाली वो है और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं जल्दी से ले लेता हूँ। आपने होंगे फ़ैन तो चूज़ करते हैं इसके अंदर से, फिर मैंने छोटा सा एक कलेक्शन किया हुआ है फ़ैन का, तो मैं इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करूँगा। अब लेना हो गया हमें एक मोटर जो कि इसमें अच्छे से फ़ैन से हवा दे सके और कम से कम वोल्टेज पर चला सके, जिससे कि हम इसे एक रिचार्जेबल कूलर भी बना सकते हैं। तो गाइस मैंने इससे पहले इसके एक स्टैंड बनाई हुई है, और ये जो है अलग वाली हाई स्पीड की 12 वोल्ट की मोटर है। इसकी आरपीएम जो है इससे कुछ ज़्यादा आरपीएम है, तो इसमें हमें ये भी नहीं लेना है क्योंकि 12 वोल्ट पे वर्क करती है, और हम इसमें लेंगे ये वाली मोटर जो कि 6 वोल्ट पे बहुत मस्त वर्क करती है। तो इन सबको रख देते हैं, इस वाली मोटर का हम यूज़ लेने वाले। गाइस सबसे पहले हमें जो है इसको इस पर चिपकाना होगा। मैंने पहले से गाइस इस पर देख सकते हो अच्छे से इसमें होल वगैरह कर दिए हैं, अब सिंपली हमें इसको चिपकाना होगा यहाँ पे इस जगह पे। मैं चिपका देता हूँ जल्दी से, और अब जो है इस पंप को इसकी जगह पे फिक्स करते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे इस मोटर को चिपका दिया है। अब हमें लगाना होगा फ़ैन। तो गाइस मैंने ये वाला फ़ैन यूज़ किया है। इस वाले फ़ैन में एक प्रॉब्लम थी, अगर ये खुला चलेगा तभी हवा देगा और ये एडजस्ट फ़ैन का काम करेगा जो कि कम जगह पर भी अच्छी हवा फेंक सकता है। तो मैं इसको जल्दी से यहाँ पे चिपका देता हूँ। तो गाइस मैंने जो है यहाँ पे इसको चिपका दिया है, आपको घुमा के चेक कर लेना एक बार कि इसके टर्न जो है अटक तो नहीं रहे हैं। हमें क्या करना है कि ये वाली जो नली है उसको यहाँ पे चिपका देना है हमारे पास। उससे पहले हम यहाँ पे सोल्डरिंग भी कर लेंगे जल्दी से। मैंने जो है यहाँ पे वायरिंग कर दी है हर एक स्विच के साथ, पेन और ये जो पंप है ये चलेगा। यहाँ पे ये मैंने माइनस और ये वाला प्लस है तो इनको निकाल दिया यहाँ पे, तो इन सबको मैंने चिपका दिया अच्छे से। अब बस पीछे का जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम चिपका देंगे जल्दी से मास्किंग टेप की मदद से। अटका के चिपका देता हूँ मैं जल्दी से। ये जो है रेडी हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी लीकेज नहीं है, काम हो चुका है। बस यहाँ पे जो है ये वाली डंडियाँ यहाँ पे लगानी है, तो मैं वो भी जल्दी से लगा देता हूँ अभी। तो गाइस मैंने जो है इसके आगे भी लगा दिया है, सब गाइस काम हो चुका है, बस एक काम रह गया, इसको लगाना है और अपना जो पूरा कूलर बन जाएगा उसके बाद डायरेक्टली आपको टेस्टिंग में दिखा दूंगा। गाइस मैंने जो इसको लगा दिया है, अब हमें अच्छे से इसको इस ग्लू गन की मदद से चिपकाना है यहाँ पे, तो मैं उसको जल्दी से चिपका लेता हूँ। मैंने जो इसको अच्छे से चिपका दिया है यहाँ से, अब बिल्कुल भी इसमें लीकेज नहीं होगी। तो ऊपर का पीस ऐसे ही कट कर लिया, इसको अच्छे से आप कट कर लेना। तो मैं इसको एक प्लेट के ऊपर ले लेता हूँ, तो इसके ऊपर जो मैं इसको रख लूँगा, वैसे तो इसमें लीकेज नहीं है लेकिन थोड़े बहुत जो बूंदे बाहर से निकलेगी वो इसके ऊपर रह जाएगी। तो गाइस मैंने जो इसके अंदर पानी फिल कर दिया, अब इसको मैं रख देता हूँ ऐसे ही सिंपली। मास्किंग टेप से इसको चिपका लेता हूँ हल्के से, जिससे कि बाहर से इसमें हवा ना जाए। तो टेप चिपका दिया जिससे कि ऊपर से जो है हवा ना खींचे, इधर से खींचे जिससे कि ठंडी हवा देगा ये। और मैंने इसके लिए एक छोटा सा जुगाड़ लगाया है, बस एक लिथियम की बैटरी से ये दोनों चलने वाले हैं, तो मैं इसको जल्दी से लगा देता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको कनेक्शन दे दिया है। अब सिंपली मैं पहले पंप चालू करने वाला हूँ।
तो पंप यहाँ पे चल चुका है, इसका इंडिकेटर चल गया है यहाँ पे, ये यहाँ पे गाइस पंप चल गया है। देखो आप यहाँ पे जो ये थोड़ा पंप चल गया बिना लीकेज के, सब तरफ से बिल्कुल भी लीकेज नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल भी लीकेज नहीं है, बिल्कुल आराम से यहाँ पे पानी चल रहा है यहाँ पे, ये देखिए आप बिना नॉइस के जो अपना पंप काम करता है। फैन को चला लेता हूँ मैं, आवाज सुन सकते हो कितनी हाई स्पीड पे घूम रहा है ये, ऐसे फाड़ दिया जिससे कि आपको हवा का अंदाजा लगता है। तो गाइस देख सकते हो इसकी हवा बहुत ही अच्छी आ रही है, आप एक बार हवा को माइक पे भी दिखा देता हूँ। ये बहुत ज्यादा नॉइज भी कर रहा है क्योंकि ये जो है बहुत स्पीड में घूम रही है मोटर काम करता है। तो कैसी आपको वीडियो लगी आप हमें कमेंट्स में बताएं, इसका मैं गिव अवे भी करूंगा। अगर गिव अवे का आपको पार्टिसिपेट बनना है तो 1000 लाइक करवा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।